नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बार्सिलोन सिस्ट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो माताएं बहनें महिलाएं इसके बारे में पता नहीं होता है कि बार्सिलोन सिस्ट क्या होती है और किस कारणों से होती है, इसका उपचार क्या होता है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके बारे में जान पाएंगे कि बार्सिलोन सिस्ट क्या होती है तो सही से इलाज कर पाएंगे, किस डॉक्टर को दिखाना है उस डॉक्टर को जाके दिखा के सही समय पे सही इलाज करा लेंगे। क्योंकि महिलाएं होती हैं क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली समस्या है, तो ये समस्या महिलाएँ सबको बताती नहीं हैं, इसको छुपाती हैं, तो इस समस्या को छुपाना नहीं है। और यदि आपको समस्या होती है तो नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो महिला विषयक रोग होते हैं, तो उनको जाके दिखाना है। चलिए तो हम अब वीडियो को शुरू करते हैं और बार्सिलोन सिस्ट के बारे में जानते हैं। तो बार्सिलोन सिस्ट कैसे बनती है सबसे पहले जानेंगे। इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि वजाइना क्या होती है। वजाइना का आप डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन में। तो वजाइना के जो आजू लेफ्ट राइट जो पर्थ होती है, वजाइना का जो मुंह होता है, मुख द्वार होता है, योनि का मुंह योनि द्वार होता है, उसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ होती हैं बार्सिलोन ग्लैंड होती हैं। उसका काम क्या होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, श्लेष्मा होता है, वो उसको सीक्रेट करता है, उसको निकालता है, जो बार्सिलोन ग्लैंड होती हैं उसको निकालता है, तो योनि को वजाइना को नमयुक्त बना रखता है। और जब हमारे जो बार्सिलोन ग्लैंड होती हैं उससे बार्सिलोन ग्लैंड से जो श्लेष्मा निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, वो निकलना बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो अंदर ही अंदर ग्लैंड्स के जो ग्लैंड्स होती है, बार्सिलोन ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर जमा होने लगता है। वह धीरे धीरे जमा होता है तो बार्सिलोन ग्लैंड की साइज बढ़ने लगती है। तो बार्सिलोन ग्लैंड की जो साइज बढ़ती है तो बार्सिलोन सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जो छोटी साइज होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, यदि आप कोई नज़दीकी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा के हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हो सकता है इंजेक्शन दवाई गोली के द्वारा हम उसको ठीक कर सकें। यदि उसकी साइज बढ़ती जाती है और आप किसी को नहीं दिखाते हैं, साइज बढ़ती जा रही है, तो इसका लास्ट में चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाकर ऑपरेशन करके जो अंदर पस बन जाती है, बहुत सारी पस बन जाती है, पस को निकालना पड़ता है और उसमें अधिक समय तक आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा और अधिक खर्चा भी आएगा। तो आप जब फर्स्ट स्टेज होती है, जब आपको फील होता है, और जिसको यदि बार्सिलोन सिस्ट होती है तो आसानी से फील कर सकते हैं कि वजाइना के एक साइड लेफ्ट या राइट आपको थोड़ी छोटी सी गांठ हो रही है, और वो गांठ जो बनती है वो ठोस नहीं होती है, पिलपिली टाइप की होती है, ऐसे अंदर कुछ पानी लिक्विड पस भरा हो, ऐसे आपको फील होगी। तो आप उसी समय जाके डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट कराएं तो सबसे अच्छा रहेगा इसका। और इसमें बहुत समस्याएं होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, और आप यूरिन करने में दिक्कत होगी, आपके लिए बहुत सी समस्याएं होंगी। तो आप अच्छे समझ गए होंगे बार्सिलोन सिस्ट क्या होती है, और स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि बार्सिलोन सिस्ट कहाँ होती है। हमारे दोनों ग्लैंड होती हैं, तो या लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी। और एक बात और, ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं शादीशुदा महिलाओं को ही बार्सिलोन सिस्ट होती है, जो शादीशुदा नहीं है, शादी के पहले भी बार्सिलोन सिस्ट हो सकती है और बाद में हो सकती है, कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन अधिकतर 20 से 30 साल की उम्र में जो लेडीज़ महिलाएं होती हैं उनको अधिक देखने को मिलती है। हमारे कई पेशेंट आते हैं ऐसे, उसको बार्सिलोन सिस्ट होती है, और वो लास्ट स्टेज होती है जब बहुत बड़ी बार्सिलोन सिस्ट हो जाती है, तब वो दिखाते हैं, उसमें अधिक खर्चा आता है और ऑपरेशन करके उसकी पस को निकालना पड़ता है और टाइम भी लगता है, क्योंकि ऐसे पार्ट्स सेंसिटिव पार्ट्स होता है, वहाँ ड्रेसिंग करने भी दिक्कत होती है, अधिक टाइम ड्रेसिंग नहीं रह सकती है, पसीना भी आना है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपको यदि ऐसी कोई समस्या होती है तो नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर महिला विशेषज्ञ, यदि आपको दिक्कत होती है, आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं कहीं भी किसी डॉक्टर को ना दिखाएं,
यदि बाथलन श्रेष्ठ है आपके लिए। गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, और आपको दिक्कत होती है तो फीमेल जो डॉक्टर होते हैं गायनिकोलॉजिस्ट उनको जाके दिखाएं, तो आसानी से आपको बात कर सकते हैं, आसानी से आप बात कर पाएंगे और आसानी से आपको समझा सकेंगे और आप समझ सकेंगे। और यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है, आप अच्छे से समझें और आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।